प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध ब्राह्मण की अंतिम विदा, वाचक निर्मल मिश्र। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। परम गूढ़ गुण रूप स्वभावादि संपन्न प्रेम देव के पद पद्म को बारंबार नमस्कार है कि अनेकानेक विघ्नों की उपस्थिति में भी उनकी दया से ब्राह्मण ने 7 वर्ष तक संसार की सैर कर ली। नहीं तो कानपुर तो वह नगर है जहां बड़े बड़े लोग बड़ों बड़ों की सहायता के अछत भी कभी कोई हिंदी का पत्र 6 महीने भी नहीं चला सके, और न आसरा है कि कभी कोई एतद विषयक कृत कार्यत्व लाभ कर सकेगा, क्योंकि यहाँ के हिंदू समुदाय में अपनी भाषा और अपने भाव का ममत्व विधाता ने रखा ही नहीं। फिर हम क्यों कर मान लें कि यहाँ हिंदी और उसके भक्त जन कभी सहारा पावेंगे। ऐसे स्थान पर जन्म लेके और खुशामदी तथा हिकमती न बनके ब्राह्मण देवता इतने दिन तक बने रहे, सो भी एक स्वेच्छाचारी के द्वारा संचालित होके इस प्रेम देव की आश्चर्य लीला के सिवा क्या कहा जा सकता है। यह पत्र अच्छा था अथवा बुरा, अपने कर्तव्य पालन में योग्य था अथवा अयोग्य, यह कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। न्यायशील सहृदय लोग अपना विचार आप प्रकट कर चुके हैं और करेंगे, पर हां इसमें संदेह नहीं कि हिंदी पत्रों की गणना में एक संख्या इसके द्वारा भी पूरी थी, और साहित्य को थोड़ा बहुत सहारा इससे भी मिला रहता था। इसी से हमारी इच्छा थी कि यदि खर्च भर भी निकलता रहे अथवा अपनी सामर्थ्य के भीतर कुछ गांठ से भी निकल जाए तो भी इसे निकाले जाएंगे। किंतु जब इतने दिन में देख लिया कि इतने बड़े देश में हमारे लिए 100 ग्राहक मिलना भी कठिन है, यों सामर्थ्यवानों और देश हितैषियों की कमी नहीं है, पर वर्ष भर में 1 रुपया दे सकने वाले हमें 100 भी मिल जाते, अथवा अपने इष्ट मित्रों में 10-10, 5-5 कापी बिकवा देने वाले 10-15 सज्जन भी होते तो हमें 6 वर्ष में 550 की हानि क्यों सहनी पड़ती, जिसके लिए साल भर तक काले काकर में स्वभाव विरुद्ध वनवास करना पड़ा। यह हानि और कष्ट हम बड़ी प्रसन्नता से अंगीकार किए रहते यदि देखते कि हमारे परिश्रम को देखने वाले और हमारे विचारों पर ध्यान देने वाले 10-20 सद व्यक्ति भी हैं। पर जब वह भी आशा न हो तो इतनी मूर्धन क्यों कर सही जा सकती। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध ब्राह्मण की अंतिम विदा, वाचक निर्मल मिश्र।